लेंगे 40R482V। बैकलाइट जल के बंद हुई है, एक बार देख लेते हैं। ये तीन बार हुआ, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सारे कनेक्शंस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले अभी देखो, ये प्लस पांचवी जो सीरीज़ है उसकी ये प्लस है और ये माइनस है। चौथी सीरीज़ की ये माइनस और ये प्लस है। पहली सीरीज़ की ये प्लस और ये माइनस, दूसरी सीरीज़ की ये प्लस ये माइनस, और तीसरी सीरीज़ की ये प्लस और ये माइनस। इनके कनेक्शन हमें एज पर दिस मदरबोर्ड से लेके यहाँ तक कंटिन्यूटी देखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस, ओके, फर्स्ट माइनस ओके है। अब हम सेकेंड माइनस चेक करेंगे, सेकेंड माइनस हमारा आएगा तो चेक करेंगे, ये माइनस ओके है। अब थर्ड माइनस चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, थर्ड हमारा यहाँ है तो ये हमने चेक कर लिया, थर्ड माइनस ओके। अब फोर्थ माइनस चेक कर लेते हैं, तो फोर्थ यहाँ पर चेक हो रहा है, ये ओके है। अब फिफ्थ माइनस चेक कर लेते हैं जो आखिरी है, ओके, तो माइनस में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब हम सारे प्लस चेक करेंगे, सभी सीरीज के प्लस। ये पांचवा जो प्लस है उसे हम अभी चेक कर रहे हैं पहले। तो मेरा जो मल्टीमीटर का प्रो प्लस कॉमन रहेगा यहाँ पे, माइनस हमने अलग अलग से देख लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। अब प्लस मेरा यहीं प्रोब रहेगा, जितने भी प्लस हैं उस पर हम चेक करेंगे अभी। सो पांचवी सीरीज़ की प्लस पे चेक कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन ओपन बता रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, ओके। तो हमें यहाँ पर प्लस देना है जंपर के थ्रू, ये कनेक्शन इसके स्ट्रिप के थ्रू नहीं पहुँच रहा है, तो हमें जंपर यहाँ देना है। तो प्लस का हमारा यहाँ एक तो प्रॉब्लम दिखा हमें। सभी स्ट्रिप के साथ करेंगे, पहले हम इसे निकालेंगे कैसे वो देख लो। इसमें लॉक है, ठीक है, इसके लिए हम एक ट्वीज़र ले लेंगे, ठीक है। ये लॉक मुझे इस तरह से खोलना है, इसको दबाना है, ठीक है, और बाद में ऊपर की तरफ खींच लेना है तो ये खुल जाएगा। तो ये सीरीज को हम बाहर की तरफ खींच लेना है, फिर ये हमने खींच लिया, ये सॉकेट के अंदर से हमने निकाल लिया, और इसको फोर्सफुली अभी एंटर करेंगे। एंटर करते समय ये कनेक्शन जो है इसका परफेक्टली फिट हो जाना चाहिए। देखो अभी टाइट भी हो गया है बिल्कुल, है ना, एकदम टाइट घुस गया। अभी हम इसके लॉक को भी पहले फिट कर लेते हैं। ऐसा हम सभी बैकलाइट स्ट्रिप के साथ करेंगे।
वायर दिखे ना दिखे लेकिन कंटिन्यूटी आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पर अभी हम कंटिन्यूटी में मीटर को रखेंगे। अब सभी प्लस चेक कर लेते हैं फिर से। पहला प्लस भी प्लस और हमारा माइनस चेक कर लेते हैं पहली सीरीज का, ठीक है। अभी दूसरा प्लस चेक कर लेते हैं, यहाँ पर है ओके। और माइनस सेकेंड माइनस यहाँ पर है, थर्ड माइनस यहाँ पर है, थर्ड प्लस यहाँ पर ओके। कनेक्शन सभी अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बैकलाइट जल के बंद हुई है एक बार। अभी हमें चेक करनी है 24-25 वोल्ट की बैकलाइट ही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये शॉर्ट बता रहा है, जैसा मैंने गेस किया था वैसा ही है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस के बीच में मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये 0.6 बता रहा है, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट है। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइन में ओके है और ये लाइन शॉर्ट सर्किट बता रही है, मतलब बिल्कुल ही शॉर्ट है। क्या ये फिल्टर ख़राब है या क्या ख़राब है देखने के लिए हम पावर सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अभी हमने 5 वोल्ट और 10 एम्पियर रखा हुआ है करंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव प्रोब हमने यहाँ लगा दिया है। पॉजिटिव प्रोब पे हमने एक वायर जॉइंट करके वो शॉर्टेड पॉइंट के करीब रख दिया है। पावर देके देख लेते हैं क्या गर्म हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं एम्पियर तो फुल ले रहा है, गर्मी कहाँ पर है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फुल एम्पियर ले रहा है और गर्मी इसमें फिल्टर पे ज़्यादा दिख रही है। तो ये फिल्टर को हम निकाल लेंगे, टेम्परेचर ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 46-47 डिग्रीज की टेम्परेचर इस फिल्टर के ऊपर है, और शॉर्ट सर्किट 5 वोल्ट का है, 1.7 वोल्ट हो गया, ड्रॉप हो गया, गर्मी बढ़ रही है। देख लेते हैं कोई पीएफ शॉर्ट है या फिल्टर का फॉल्ट है। तो ये फिल्टर ही दिख रहा है ख़राब, फिल्टर ही था जो इसमें ख़राब था। तो अभी हम इस फिल्टर को निकाल कर इसकी जगह दूसरा यूज़ करेंगे। तो अभी हमने फिल्टर निकाल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ख़राब था जिसके वजह से शॉर्टिंग दिख रही थी हमें। अभी हम चेक कर लेते हैं डायोड टेस्ट में मीटर को रखकर। ये माइनस है और ये प्लस है, तो इस पे हमारा जो डायोड का जो निशान है उसके लिए हम प्लस वाले एंड पे माइनस प्रोब टच करेंगे और माइनस वाले एंड पे प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.678 और दूसरी साइड में ओपन, तो ये ओके हो चुका है। यहाँ पर मैं फिल्टर जो इसमें था वो 22 माइक्रोफेरेड था और मैं यूज़ करूँगा अब 47 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट का। लगा हुआ फिल्टर था 22 MFT 50 वोल्ट, उसकी जगह हमने लगाया है 47 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट कैल्ट्रॉन का फिल्टर लगा दिया है। तो इसमें हमने बैकलाइट के लिए एक तो फ्यूज़ अभी टेम्प्ररी हमने खाली जंपर लगाया है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर लगाया जो फटा हुआ था। सो अभी हम ये दोनों चेंज करने के बाद देख लेते हैं कि क्या हमारी बैकलाइट ड्राइव हो रही है या नहीं। चलिए तो चेक कर लेते हैं पावर देके। यहाँ पे अभी लास्ट प्रोटेक्शन में गया था तो ये ऑन करेंगे, ये ग्रीन लाइट हो गई है। चेक कर लेते हैं क्या हमारी बैकलाइट ड्राइव हो रही है। आप देख सकते हैं बैकलाइट ड्राइव हो गई है। इसमें ये फिल्टर का फॉल्ट था, अभी ये 5 टाइम में गया होगा, चेक कर लेते हैं बिकॉज अभी हमने डिस्प्ले नहीं लगाई है। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, फिर से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी हमारा 6 टाइम प्रोटेक्शन से टीवी निकल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29.6 वोल्ट का कंजम्पशन है और जो फिल्टर फटा था उस पे 32 वोल्ट, हमने 63 वोल्ट का फिल्टर लगाया इसमें।